केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा भगवान गणेश का दर्शन लाभ लिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भगवान गणेश चरणों पर हल्दी, कुंकू और पुष्प भी अर्पित किए। इसके बाद अमित शाह ने बप्पा के चरणों में सिर रखकर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे सहित कई नेता उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री रविवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। रात को शाह ने मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की। सोमवार काय अमित शाह मुख्यमंत्री के शासकीय आवास वर्षा बंगले पर प्रतिस्थापित भगवान गणेश का दर्शन किए। इसके बाद शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर प्रतिस्थापित भगवान गणेश का दर्शन किया। मौके पर एनडीए गठबंधन के नेता उपस्थित थे। इसके बाद अमित शाह बांद्रा में मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में जाकर भगवान गणेश का दर्शन किया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शासकीय कामकाज के लिए पुणे में थे, इसलिए अजीत पवार ने मुंबई एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अमित से मुलाकात की और दोनों में अल्प समय चर्चा भी हुई। इसके बाद अमित शाह अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर दिल्ली रवाना हो गए।